मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये मेरा ऑफिस था, ये मेरा हाउस था। मुझे ऑफिस से घर जाना था, मुझे इस जगह पहुंचना था। बीच में रेड लाइट आती है एरिया, तो यहां पर मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि रुकना पड़ेगा। ग्रीन येलो रेड लाइट सिस्टम पे मेरे को रुकना, तो मेरी वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। तो जहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी वहां तो मैं मिलूंगा ही नहीं। जब मैं मिलूंगा ही नहीं तो वहां पर अगर मेरा कोई फोटो खींच रहा है तो मैं यहां दिखूंगा या यहां दिखूंगा या फिर यहां दिखूंगा, यहां नहीं दिखूंगा। तो जहां नहीं दिखूंगा मैं, वहां क्या कहलाएगा? नॉड, नॉड और ये एंटी नॉड। अगर किसी ने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई ना तो पता है उसे क्या फील आएगा कि यहां तो सर दिखाई नहीं दिए। लेकिन आप ये सोचो कि बिना यहां से निकले मैं वहां पहुंच सकता हूं क्या? नहीं, दिखाई नहीं दिए उसका रीजन कुछ और है, लेकिन निकला तो हूंगा मैं। समझ में आ रहा है? नहीं दिखने का रीजन ये कि मेरी यहां पर वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि आप मेरे को नहीं गेन कर पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं देख पा रहे। समझ में आ रहा है? आप देखेंगे मुझे इस जगह, इस जगह, इस जगह। तो जहां आपको देखने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो कहलाएगा एंटी नोड, जहां कम होगी नोड, नॉट एंटी नोड। बोलो समझ में आ गया? तो यही चीज श्रोडिंगर ने पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी अलग अलग जगह अलग अलग होती है, तो कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। तो जहां ज्यादा होती है वहां मिलेगी प्रोबेबिलिटी कम होती है, जहां कम होती है वहां मिलेगी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आज एक हवा में बॉल छोड़ी, तो हवा की में जैसे मैंने छोड़ा, जमीन पे आई, टकराई, फिर ऊपर गई, फिर टकराई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे चल रहा है। मैं उसकी फोटो खींच रहा हूँ ना, तो पता है सबसे ज्यादा फोटो कहाँ आएंगे क्लिक दिखते हुए? ऊपर, जब बॉल टॉप पोजिशन पे, क्योंकि वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है टॉप पोजिशन में, तो वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और नीचे तो बिल्कुल नहीं होगी। ये बात श्रोडिंगर के दिमाग में आई कि यार मैं ऐसा सोचता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो 3D में घूम रहा है, तो मैं कैसे सोचूंगा? 2D में तो बहुत आसानी से होता है, बॉल ऊपर गई, नीचे गई, एक इक्वेशन बना सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी टाइम बना सकते हो, ठीक है ना? बहुत जरूरी होता है। वो जो आदमी होता है ना जो बॉल को यूं घुमाता है, उसको मालूम होता है सबसे ज्यादा टाइम ऊपर लगाएगी, उतनी देर में उसको यहां भेजना रहता है। तो ये कैलकुलेशन दिमाग कर रहा होता है। यहां पर हमारे को खुद को करनी है, वो भी 3D के अंदर। तो हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन के लिए यही काम किया, उसने इक्वेशन सॉल्व करी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को नहीं कर सकते थे, तो उसने सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ही वर्क में लिया। तो इसका मतलब श्रोडिंगर वेव मॉडल कंप्लीट किसके लिए लगेगा? हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी वर्क करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनको सॉल्व करना। तो श्रोडिंगर ने पूरा मॉडल दे दिया हाइड्रोजन के लिए। उसने कहा हम पूरा ये मॉडल निकाल रहे हैं और हम ऐसे बता रहे हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कहां कम होगी। ये काम हम कर सकते हैं, बस हमें क्या चाहिए? हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, जिससे हम एग्जैक्ट टोटल एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सकते हैं। ये उसने बताया, किसने? श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर की बात मुझे समझ में आ गई और उसी तरह से उसने सारे ऑर्बिटल बना दिए। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर आप खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, मैं मानता हूं, लेकिन जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो डंबल शेप, डबल डंबल शेप कुछ भी हो सकती है, जैसे डंबल रही। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना घूम रहा है? घूम तो वो ऐसे ही रहा है, लेकिन वेव मॉडल में घूम रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, एक बार और समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से इस चीज को। इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ऐसे चलता है। बोलो हाँ या ना? तो जब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव मोशन रखता है, तो कभी उसकी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, कभी दूर हो जाएगा। तो आप ये बताइए, ये न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत पास है कहीं पे भी मान लीजिए यहां, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा। तो यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और यहां पर क्या हो जाएगी? इस जगह वेलोसिटी ज्यादा है, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम है, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होता है उसकी वेलोसिटी उतनी क्या होती है? कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है उसकी।
तो ये दिमाग में उसके पास आया, उसने कहा हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। यानी आप अगर ये सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में आ रहा है, हाँ ये बात जरूर है कि अगर डी ब्रोगली नहीं होता तो उसकी वेलोसिटी हर जगह क्या रहती, बराबर रहती, बराबर रहती, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, बराबर होती है। सारे ऑर्बिटल क्या होते, सर्कुलर होते, स्पेरिकल भी नहीं होते, सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह मिलता, ठीक है ना। लेकिन डी ब्रोगली ने चमत्कार कर दिया, उसने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो मूव करते हैं लेकिन नेचर उसका वेव होता है, जिस वजह से वो कभी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के कभी ज्यादा पास आ जाते हैं, कभी ज्यादा दूर हो जाते हैं। कुछ समझ में आया, क्लिक करा, तो यहीं से शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पे और फिर ऑर्बिटल पे। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में घूम रहे तो उसी से डिजाइन हो रहा है कि इसका मतलब कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो जहां ज्यादा हो रही है उन पॉइंट्स को मेजर किया, तो क्या यहां नहीं मिलेंगे, क्या यहां पर भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रही, कम रहेगी। तो उसने कहा उस एरिया को मैंने मार्क कर लिया जहां 95% तक मिल रहे थे, कितना 95, और उस जगह को मैंने क्या नाम दिया, और ऑर्बिटल, क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। देखिए तो इसको हमें थोड़ा सा तरीके से समझना है। उसने प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए वेव नेचर का सहारा लिया, यानी ये एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेव, और यहां पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वेव। और उसने कहा कि देखिए यहां पर ई टोटल एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसके साथ ये इसका वेव नेचर का एम्पलीट्यूड फंक्शन होगा। मैंने कहा ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और यहां पर जो हमारे पास है ये साइन, हम इसको डेल बोले या जो भी, ये है लैप्लाशियन ऑपरेटर, यानी इसकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे, इस तरह से ये चलता है। हमें यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, रॉकेट साइंस का कोई यूज नहीं है, बस बेसिक साइंस लगानी है जिसको हम आधार बना सके। तो आप ये बताइए यहां साई का मतलब क्या है, वेव या वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए तो एम्पलीट्यूड में बोल देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक पार्टिकल वेव, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, पार्टिकल वेव हो जाएगा। दूसरा ई यहां पर क्या है, टोटल एनर्जी, और यू यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास हो गया टोटल एनर्जी, और यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ आप किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबको एक ही यूनिट में रखना बहुत जरूरी है, या तो सबको एमकेएस में रखो या सबको सीजीएस में रखो, उससे मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये फर्क पड़ रहा था कि साई क्या है, एक तरह से मैं आपको फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, पार्टिकल वेव है, थोड़ा सा पार्टिकल वेव के साथ अंतर क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड कोई फिक्स नहीं रहता, डिपेंड करता है पोजिशन पे, ये साई है, समझ में आ रहा है, और एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एम्पलीट्यूड फिक्स चलता है। तो यहां पर साई चेंज होता चला जाएगा, समझ में आ रहा है। और एक और पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इससे निकल के आ रही है, वो हमारे को समझनी है। जैसे सबसे पहला आएगा हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ साई, चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम करते जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साई, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इसका कोई बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब इसका कोई और यूज नहीं है, बस हाँ एम्पलीट्यूड को बता रहा है, बाकी कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है।
दूसरा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को इसने ले लिया किसने, श्रोडिंगर ने, कहां से लिया, वहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि मैक्सवेल ने दिया था वहां से लिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से कितनी क्वांटिटी में जाना है, ठीक है भाई। पर सेकेंड आप 10 फोटोन निकल रहे हैं एक जगह, पर सेकेंड 100 फोटोन निकल रहे हैं, तो ज्यादा फोटोन एक ही जगह से निकलना, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में से निकलना, वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। लेकिन यहां इंटेंसिटी का मतलब बिल्कुल यही आ रहा है, इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई, यानी हम यहां पर ले रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑफ पोजीशंस, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन भगवान की तरह ही है, एक ही सेकंड में करोड़ों जगह मिल जाता है, एक ही सेकंड में करोड़ों जगह मिलता है क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में वो कितनी जगह बार दिखता है वो है इंपॉर्टेंट। भगवान है ना, कभी भी कहीं पे भी दिखता है, क्यों, क्योंकि उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि हर जगह है, हर जगह है। जब पंखा चल रहा होता है तो पता ही नहीं चलता उसके अंदर कितनी पंखड़ियां हैं, हर जगह दिखता है वो, ठीक है ना। अगर उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाए तो पता भी नहीं चले। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी लाइट से कम है, बाकी तो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, साइज स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो साइज स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, साई की वैल्यू ज्यादा होगी, इंटेंसिटी साई स्क्वायर ज्यादा होगा, साई स्क्वायर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें साई के फंक्शन की जरूरत है क्योंकि उसी से साई स्क्वायर निकलता है, उसी से इंटेंसिटी निकलती है। तो ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। बोलो क्लियर है, हाँ बोलो बेटा। फ्रीक्वेंसी का कहीं यूज नहीं हो रहा है यहां, एम्पलीट्यूड का यूज हो रहा है। वैसे भी मेरे को पार्टिकल वेव में फ्रीक्वेंसी वर्ड कोई खास सिस्टमेटिक रखता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है यहां पर। हमें एम्पलीट्यूड का काम पड़ रहा है, हम वही कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो यहां आपको यह चीज समझ में आती है कि एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से हमने एक और डेफिनेशन ली और वो है हमारे लिए कौन, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को जब सबसे पहले इसने डिफाइन किया तो उसकी डेफिनेशन सिंपल थी, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 90 to 95% कवर कर रहे हो, नहीं 90 to 95% टाइम आपको यही मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और हम एस ऑर्बिटल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एस ऑर्बिटल। तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, ठीक है, और इसके बाहर भी मिलेंगे और इनफाइनाइट तक मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन 100 डॉट बनाता हूं, 100 डॉट बनाता हूं, तो 95 को जो कवर कर लिया वो ये वाला एरिया हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे पी ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल की जब मैं बना रहा हूं तो 95% टाइम तो आपको ये यही मिलेंगे और 5% टाइम आपको बाहर मिलेंगे। तो ये स्पेस जो है आपकी, ये जो 95% को कवर कर रही है वो कहलाएगी ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हाँ
ध्यान रखना। हाँ मिलते हैं। तो ये नहीं कहना कि जीरो है, तो पॉइंट ये भी हमारे पास आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो अप टू इनफाइनाइट बाय श्रोडिंगर इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, ये श्रोडिंगर भी अपने आप में एक भगवान था, समझना आप मेरी बात को। भगवान नहीं था, ये मत समझना, भगवान नहीं था। तो इसने मैथमेटिक्स लगाई, इसने एजम्पशन लगाया और एक इक्वेशन बनाई जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अप टू इनफाइनाइट तक भी क्या हो रही थी, कुछ ना कुछ थी, भले वो बहुत कम थी, जीरो के टेंस आती, लेकिन जीरो कभी नहीं बनी। तो इस हिसाब से अगर न्यूक्लियस यहाँ है तो उसका कहना था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट, चंद्रमा तक भी दिखेगा, इनफाइनाइट चंद्रमा, समझना उस इक्वेशन से। तो क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉन चंद्रमा तक मिलता है? नहीं मिलता। तो किसके अकॉर्डिंग मिलने की प्रॉबिलिटी रहेगी? श्रोडिंगर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उसने ऐसा कहा है और हम उसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो आप समझें किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये थ्योरी 100% सही है? नहीं, कोई भी चीज 100% सही नहीं है केमिस्ट्री में, समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, हम आंसर इसी थ्योरी से देंगे क्योंकि इससे अच्छी थ्योरी अभी तक नहीं आई है। तो क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रॉबिलिटी इनफाइनाइट तक होती है? आंसर यस। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर भगवान ने कहा है हमारे लिए। तो ठीक है, हम अभी उससे आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उससे बड़े भगवान अभी हमारे पास आए नहीं है। बस जिस दिन आ जाएंगे उस दिन कह देंगे ये वाले भगवान छोटे हैं, हम बड़े वाली बात करेंगे। यही कंसेप्ट हमारे को लेके चलना है। दूसरा, कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। देखो, एक तो होता है स्पेस जहां 95% आपने कर लिया, 95% में भी तो कहीं तो बहुत ज्यादा होगी और कहीं क्या होगी? कम होगी। तो वो वाला एरिया भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आ रही है कुछ बातें? तो यहां हमारे पास आ रहा है कि एक और डेफिनेशन आ रही है, वो है नॉट। उसने जो इक्वेशन दी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले, सिर्फ पॉइंट मात्र, जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बिल्कुल जीरो थी। नोड की डेफिनेशन क्या होगी? द इट इज द प्लेस, इट इज द प्लेस। यहां प्लेस दो तरह के हो सकते हैं, सरफेस हो सकती है या प्लेन हो सकता है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। तो जो उसने कहा मैं वही कह रहा हूं, एक्चुअल में क्या होगा उस पर हम बहस करेंगे ही नहीं, हम तो ये मान लेंगे ये कह रहा है वो सब सही है बस। तो नॉट की डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी, अलग अलग जगह अलग अलग नोट देखने को मिलेंगे। एस के अंदर देखो, देखो ध्यान से, इसने ये कहा कि नोट का पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एक तरह से एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रॉबिलिटी क्या है? जीरो। तो ये क्या कहलाएगा? नोड, क्योंकि एक प्लेन में, तो ये नोडल प्लेन बोल दो आप, लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं नोड की। यहां दो प्लेन मिल रहे हैं आपको, एक ये एक ये, तो दो नोड दिख रहे हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने नोड मिलेंगे ये हमें उसकी इक्वेशन से पता चलेगा। तो फिलहाल तो आपके पास ये छोटा सा डाटा होना चाहिए कि नोड क्या है, ऑर्बिटल क्या है। बस अब आगे लिखें इसको, पहले आप ये बताइए, यहां पर श्रोडिंगर ने ये वेव इक्वेशन दी, लेकिन ये कहलाती है कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स वाई जेड में हमें लेना पड़ेगा साई। लेकिन अगर हम इसको पोलर सिस्टम में ले लेंगे, किस पोजीशन में?
पोलर में। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, साई आर एक तरफ ले लेंगे जिसमें सिर्फ रेडियल वाले लेंगे, रेडियल डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय थीटा एंड फाई, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें सॉल्व मतलब कार्टेशियन में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है 3D में, जबकि पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करने पे बहुत फायदा होता है। हमने दोनों अलग अलग फंक्शन ले लिए, इसको बोलेंगे रेडियल फंक्शन, रेडियल फंक्शन, क्या बोलेंगे रेडियल फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे एंगुलर फंक्शन फंक्शन। ये हमारे पास बनेगी नेट आर थीटा फाई इक्वेशंस, समझ में आ रहा है। अब ये बड़े फंक्शन को हमने छोटे दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया। अगर सपोज ये जीरो है, दैट वैल्यू इज जीरो, और मल्टीप्लाई बाय ये नॉन जीरो है, तो क्या रेडियल की वजह से जीरो आ रहा है? हाँ। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? आर थीटा फाई मेन जो फंक्शन है वो क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। बोलो हाँ या ना? जीरो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? साई स्क्वायर भी जीरो मिल जाएगा रिजल्ट, और साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। साई जीरो है तो इसका मतलब साई स्क्वायर भी जीरो है, इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो, इसका मतलब नॉट। इस नॉट को क्या नाम दूं मैं, क्योंकि एक रेडी पॉइंट पे मिल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, तो इसको बोलूंगा नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, क्या बोलूंगा इसको नोडल सरफेस, या फिर इसको क्या नाम दूंगा मैं रेडियल नोड। इसकी वैल्यू होती है एन माइनस एल माइनस वन, क्या होती है एन माइनस एल माइनस वन रेडियल नोट की। बोलो क्लियर है? दूसरा केस, केस फर्स्ट केस सेकंड, अगर ये नॉन जीरो है और ये जीरो हो गया, तब आपके पास आर थीटा फाई ये भी जीरो होगा, और उस कंडीशन में साई स्क्वायर जीरो होगा, बाकी सब हो जाएगा जीरो। तो यहां पर भी वो सारी बातें होगी, लेकिन यहां जो नॉट बनेगा उस नॉट को क्या नाम दूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा पोलर नॉट, पोलर नॉट, या फिर मैं क्या नाम बोलूंगा इसको नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और इसकी वैल्यू होगी एल, एल के बराबर होगा ये, आपके पास रहेगा एल के बराबर। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड है वो हमें पता आराम से लग जाएगा। दो तरह के नोड होते हैं, एक रेडियल नोड, एक एंगुलर नोड, या दो तरह से नोड बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं नोडल प्लेन, नोडल सरफेस। होते कैसे हैं ये अब आप समझिए, मैं एग्जांपल के साथ और समझा देता हूं। मैंने ले लिया मैंने ले लिया यहां पर 4p, क्या ले लिया 4p। आप बताइए 4p ऑर्बिटल के अंदर अपन प्लेन ज्यादा यूज करेंगे, नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन। नोडल सरफेस जो कि आपके पास ऊपर वाला था n माइनस एल माइनस वन, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 4 माइनस वन माइनस वन कितना हुआ 2। समझ ना बात को, और फिर एक साथ लिख लेना, पहले समझ लो। और नोडल प्लेन किसके बराबर था, L, और L की वैल्यू कितनी है 4p के लिए 1। तो आपको ऐसा ऑर्बिटल बनाना है जिसके अंदर दो तो नोडल सरफेस हो और एक नोडल प्लेन हो, समझना। तो देखिए इस तरह से बनता है, ये p बना, फिर ये नोड बनेगा, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, फिर नहीं मिलेंगे। ये जो डिस्टेंस होगी ये सिर्फ एक पॉइंट की होगी, लेकिन एक पॉइंट की मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया, थिन बना दिया, जबकि ये क्या होता है बहुत ही थिक सा रहता है। कितना थिक रहेगा, एक पॉइंट मात्र, सिर्फ एक पॉइंट मात्र।
अब पॉइंट कितनी बड़ी डिस्टेंस होती है, आप खुद आइडिया लगा लो। तो ये हमारे लिए कितने नोड बने अभी तक, सरफेस एक, बताओ ये दो है या एक है, एक है। सरफेस को बिल्कुल ऐसे कर लो जैसे आप कपड़े पहनते हो, तो पूरा कपड़े शरीर पे जो होते हैं ना, वैसे पेंट शर्ट जो भी आप पहन रहे हैं, तो पूरा पेंट शर्ट को अलग नहीं करेंगे, पूरा एक नोडल सरफेस है। तो ये पूरा एक सरफेस बना है, एक नोड, कौन सा नोड, नोडल सरफेस वाला। फिर अभी एक और बनाना है, तो वापिस इलेक्ट्रॉन डालो आप, ये इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए, डाल दिए, फिर एक बार और नोड बनाओ आप, ये नोड बन गए, ये दूसरा नोडल सरफेस बन गया, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपके पास वापस इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको, ये आपने नोड बना, वापस तो आप बताइए इस पूरे डायग्राम में आपको कितने ऐसे स्पेस मिल रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नोडल सरफेस में दिख रहे हैं, एक तो ये, एक ये, पक्का ये पूरा अपने आप में एक ही है, ये पूरा अपने आप में एक ही है। तो ये क्या कहलाएगी आपके लिए, नोडल सरफेस, क्या कहलाएगा बेटा, ये नोडल सरफेस कहला रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर नोडल प्लेन कहां है, नोडल प्लेन है यहां पर, इसके बिल्कुल इस लाइन पे, ये कहलाएगा नोडल प्लेन, जो कि अपने आप में एक होगा। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैंने कोई और जैसे जैसे पी बढ़ाता जा रहा हूं, 2p 3p 4p 5p, तो नोडल सरफेस बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू है n माइनस l माइनस 1, l की वैल्यू तो फिक्स है, n बढ़ता जाएगा तो नोडल सरफेस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अब आप मेरे को बताइए नोडल प्लेन बढ़ेंगे या कम होंगे, या वही रहेंगे, वही रहेंगे, वो वही रहेंगे, भले आप कोई भी पी ले लो, किसी भी पी के लिए एल की वैल्यू 1 है तो नोडल प्लेन एक ही रहेगा, समझ में आ रहा है अब आपको। तो आप एक बार बताइए 4s और 5s दोनों में नोडल प्लेन कितने हैं, जीरो, क्योंकि एल की वैल्यू जीरो है। 4s से 5s, 5s से 6s, 6s से 7s जाने पर किसमें डिफरेंस, किसमें चेंजेज हो रहा है, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन सरफेस, समझ में आ रहा है। तो 1s के अंदर कितनी थी, जीरो, कोई भी ऑर्बिटल जहां से स्टार्ट होता है उसमें कितनी होती है, जीरो, जैसे s कहां से चालू हो रहा है, 1s, तो 1s में कितनी होगी, जीरो, 2s में एक, क्योंकि 1s और 2s के बीच में एक जगह दिखेगी, समझ में आ रहा है। 3s दो, 4s 5, 4s 3, 5s 4, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये नोडल सरफेस है। p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2p में 0, 3p में, 4p में 2, 5p में 3, d कहां से चालू होता है, 3d, 3d में 0, 4d में, 5d में, 6d में, कर सकते हैं आप। तो जो जहां से स्टार्ट होता है उसमें 0। अच्छा अब बात आती है नोडल प्लेन की, s के अंदर 0, p में 1, d में 2, f में 3, g में कितने होंगे, 4। तो क्या आप किसी भी ऑर्बिट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हो तो भी नोडल प्लेन और नोडल सरफेस तो यूं बता दोगे, इस अप्रोच से बता दोगे या नहीं बताओगे, टिक करते बता दोगे, तो बता दोगे, तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अपन, करें प्रैक्टिस। तो यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट्स पे हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, उसके लिए एन की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू बतानी है, उसके अंदर नोडल प्लेन जिसको क्या नाम देते हो, रेडियल नोड या रेडियल सरफेस, या रेडियल बोलोगे ना या एंगुलर बोलोगे, एंगुलर,
अगला है नोडल प्लेन के बाद नोडल सरफेस, इसको क्या बोलोगे आप, रेडियल या एंगुलर? रेडियल नोड। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन माइनस एल माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या होती है, एल। ठीक है, ये टेबल आपके पास बन गई पूरी। अब ऑर्बिटल लिखिए, बहुत सारे ऑर्बिटल आपका इंतजार करेंगे, लेकिन टेबल बना लीजिए आप। एक दो, और इनको करना भी चालू कर दीजिए, 3s, 4s, 5s, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, 4f, 6f, 7f। भले ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करें नहीं करें, लेकिन हम उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं इस थ्योरी से। तो अब आप मेरे साथ हैं, जो कि बहुत आसान भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 4 6 7। एल की वैल्यू क्या है, एस के लिए देखते हैं 0 0 0, पी के लिए 1 1 1, डी के लिए 2 2, एफ के लिए 3 3 3। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जा रहा है नोडल प्लेन कितने होंगे, तो नोडल प्लेन तो एल की वैल्यू ही रखनी है आपको, ये वाली टेबल यही उतारनी है, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3। बोलो क्लियर है? और एन माइनस एल माइनस वन क्या बताएगा, नोडल सरफेस। फिर मेरे लिए दिक्कत आती है कि मैं एन माइनस एल माइनस वन करता हूं तो बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा। मैं इसको ऐसे करता हूं अपने तरीके से, 1s के लिए 0, 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, तो 2 3 4 खत्म, पक्का। 2p के लिए 1, क्योंकि जो जहां से स्टार्ट होता है उसके लिए 0, तो 2p के लिए 0, 3p के लिए 4p, 5p, टाइम बच जाएगा। 3d के लिए 0, पक्का 3d के लिए 0, 5p का 3 होगा, बिल्कुल सही कहा, वो 1 2 3। यहां पर 3d के लिए 0, 1 2, 4f, f से 4f से स्टार्ट होता है, पक्का 3f तो नहीं होता ना, तो 0 2 3। मैंने 5f दिया ही नहीं, तो समझ में आ रहा है? आप चाहो तो n माइनस l माइनस 1 से करेंगे, आपका आंसर यही आएगा, चेक कर लें, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसमें जल्दीबाजी में गलती मत कर देना आप, पक्का। तो ये एक टेबल बना दी जो ऑर्बिटल आपको बताएगा। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान रखना है। जब मैंने अभी हाल 2p के लिए डायग्राम बनाया था, 3p के लिए बनाया, 4p के लिए बनाया, सपोज मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, तो आप बता सकते हो ये किसके लिए होगा, जल्दी से बताएंगे। चलो आप क्या इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? हाँ सही है। क्या इस प्लेन में मिलेंगे? नहीं, एक्चुअल में मिलेंगे, एक्चुअल का तो मालूम नहीं, श्रोडिंगर ने बोला वही हम एक्चुअल मानते हैं, पक्का, तो यहां नहीं मिलेंगे। तो बताइए ये किस ऑर्बिटल का डायग्राम है, 2p का या 3p का? 3p, श्योर, लॉक कर दें, ये 3p का या 2p प्लस 3p दोनों का है? ओनली 3p है ये, पक्का। अब ये मत सोचना 3p क्यों है ये, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल नहीं है। इज दैट क्लियर? श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग ये एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल मिलके पहले बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे से एक जगह एक पॉइंट में कम हुआ, फिर एकदम से ज्यादा आ गया। समझ में आ रही है बात? पक्का। 2p के अंदर ऐसा होता है, यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, फिर उसके बाद कम रही, लेकिन जीरो नहीं हुई कभी भी इसके बाद। आ गई बात समझ में?
तो दैट्स द डिफरेंस, दैट इज द 2p, दैट इज द 3p, दोनों अलग अलग डायग्राम है, अलग अलग ऑर्बिटल है। कुछ समझ में आई बात? अब ये मत बोल देना ये 2p 3p का मिलके कंबाइंड है, नहीं ये अपने आप में एक ऑर्बिटल है, ये अपने आप में एक ऑर्बिटल है, ठीक है। हर ऑर्बिटल का अलग डायग्राम है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हुए जो आपको मदद करेंगे। इसको आप क्या बोलोगे? इस जगह ये है नोडल प्लेन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लेन की शेप ले रहा है, क्योंकि ये एंगल पे आ रहा है, आप देखो 90 डिग्री पे आ रहा है, तो इसलिए ये रेडी वो भी है, क्या कहते हैं, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड बोलो, बोल सकते हो। जबकि ये आपके पास क्या है? नोडल सरफेस। और ये एक एंगल पे नहीं आके एक पॉइंट पे आ रहा है, एक डिस्टेंस पे आ रहा है, वो भले किसी भी एंगल में हो सकती है डिस्टेंस, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आपके पास आ जाएगा नोडल सरफेस था, इसको बोल सकते हो रेडियल नोड। क्या बोल सकते हो आप इसको? रेडियल नोड। लिखो इसको, ये आपके पास हो गया नोडल सरफेस, रेडियल नोड। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके अंदर नोडल प्लेन होता ही नहीं है? एस, कोई भी एस ले लो, 1s, 2s, 3s, 4s, पक्का। ऐसा कौन है जिसमें कोई भी तरह का नोड नहीं होता? 1s। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास आ रहा है, डी के अंदर कितने नोड होंगे आप ही बताइए? डी में दो नोडल प्लेन कितने होंगे? डी में कितने मिनिमम नोड होंगे? मिनिमम नोड दो तो होंगे ही होंगे, भले ही कोई भी ले लो आप। समझ में आ रहा है? तो मैं आपके साथ यही आ रहा हूं, डी के अंदर नोड इन डी ऑर्बिटल। आप खुद ही देखेंगे कि डी ऑर्बिटल जनरली इस शेप का होता है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये दो तो नोडल प्लेन फिक्स है उसके। अब आप कहेंगे सर यहां कहां से दिखाई देगा? अगर हमने डी जेड स्क्वायर ले लिया, ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी जेड स्क्वायर। तो यहां नोडल प्लेन, नोडल प्लेन की जगह नोडल कौन के फॉर्म में होते हैं? यहां नोडल प्लेन जीरो है, लेकिन कौन की फॉर्म में आएंगे फिर यहां पर? कैसे? देखिए यहां कॉनिकल नोड होते हैं, फिर यहां पर इस जगह जीरो होगा, फिर ये कौन बनाएगा? तो यहां पर भले ही नोडल प्लेन जीरो है, यहां नोडल प्लेन कितने हैं? जीरो। लेकिन यहां पर नोडल प्लेन का नाम क्या हो गया? नोडल प्लेन यहां पर कितने हैं? जीरो। लेकिन यहां नोडल प्लेन का नाम किसमें चेंज हो चुका है? यहां रेडियल नोड को हम बोलेंगे कॉनिकल नोड, और वो हमारे पास आएंगे दो, जो कि होना भी चाहिए था। तो इसका मतलब रेडियल नोड को नोडल प्लेन बोलते हैं, बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन रेडियल नोड का फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है एक तरह से, एक नोडल प्लेन और एक कॉनिकल नोड। यहां पर कॉनिकल नोड है, बोलो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये क्या है? कॉनिकल नोड हो गया। तो इसके अलावा और कहीं कॉनिकल नोड मिल रहा था आपको? नहीं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑन द एक्सेस दिस, कहां सबसे कम है? कौन पे? और ये 45 डिग्री पे आ रहा है। इसमें पता है क्या हो रहा है? 45 पे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एट 45 डिग्री एंगल The probability of finding of electron is maximum. यानी साई स्क्वायर क्या है यहां पर? मैक्सिमम है, उल्टा है। इसको बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, क्लियर है? तो जबकि यहां पर 45 पर नोडल रेडियल नोड बन रहा है कॉनिकल नोड के नाम पे। यहां पर इस जगह
साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। इस जगह साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। ऐसे चल रहा है कौन 3D में, इस तरह से घूमता हुआ। समझ में आ रहा है कौन बन गया? जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। तो अब आप इस चीज को समझ लो, नॉट क्या है। आया या नहीं आया समझ में? कर सकते हैं आप। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं श्रोडिंगर इंपॉर्टेंट कर्व इन श्रोडिंगर इक्वेशंस। हेडिंग डलेगी इंपॉर्टेंट कर्व इन श्रोडिंगर इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस। कौन कौन से कर्व थे? हम यहां पर तीन तरह के कर्व पढ़ेंगे। एक एम्पलीट्यूड कर्व, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड कर्व। ये होगा हमारे लिए एम्पलीट्यूड कर्व एम्पलीट्यूड वर्सेस आर के बीच में। दूसरा हम करेंगे प्रोबेबिलिटी कर्व, साई वर्सेस साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। और तीसरा कर्व करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये करेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। यहां हमारे पास जो साई का फंक्शन लेंगे हम, सिर्फ रेडियल फंक्शन लेंगे। आप जानते हैं इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, रेडियल एंड पोलर। हम सिर्फ रेडियल फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो समझ में आ रही है बात? तो हम कर्व कैसे बनाएंगे? पहली चीज, हम कर्व कैसे बनाएंगे? तो हम यहां पर कर्व दो तरह से बना सकते हैं। एक बाय ट्रिक मेथड, इसमें आपको सीधा मैं रटा दूंगा कि कैसे बनाना है, और दूसरा मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो हम पहले कौन सा मेथड करेंगे, ट्रिक से या मैथमेटिकल से, जो आपको लगे। तो आपको पहले मैं आपको मैथमेटिक्स से ही बता देता हूं, है ना। तो कंसेप्चुअल मेथड आपके पास आएगा। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, सबसे पहले एम्पलीट्यूड कर्व को अच्छे से पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड कर्व एक्चुअल में कोई भी इक्वेशन होती है, वेव नेचर जो होता है, वो हम इस तरह से रखते हैं। आर रेडियल फंक्शन, थीटा एंड फाई पोलर फंक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको हम कैसे कर देते हैं, रेडियल को अलग रख देते हैं और पोलर वाले को हम अलग रखते हैं, थीटा एंड फाई। समझ में आ रहा है? अब अगला, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके लिए, रेडियल के लिए। किस कौन सी बात कर रहे हैं? रेडियल के लिए। जो रेडियल कर्व है ये आपके लिए एन और एल पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? एन और एल पे, पक्का। और जो हमारा एंगुलर फंक्शन वाला पार्ट है, टोटल तो ये पोलर कंसेप्ट कहलाता है, रेडियल और ये एंगुलर वाला पार्ट है थीटा और फाई, ये डिपेंड करता है एन कॉमा एल कॉमा एम तीनों पे, यानी तीनों पे मिलकर ये हमारे पास लगता है। मैं आपको फिर बताता हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इज नॉट डिपेंड ऑन स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि श्रोडिंगर के समय तक स्पिन क्वांटम नंबर आया ही नहीं था। और दूसरा पॉइंट, की पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, श्रोडिंगर वेव फंक्शंस पूरी की पूरी जितने भी हम डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। तो ये दो की पॉइंट आपके शुरू में ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट की पॉइंट, फर्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर हैव नॉट एनी रोल इन श्रोडिंगर इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस। दूसरा, श्रोडिंगर इक्वेशंस डेराइव डेराइव्ड
ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एस ई एस का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डेराइव किया गया था। तो ये हमारे पास छोटे से पॉइंट है। थर्ड, अगर हम बात करें आर की रेडियल फंक्शन, तो जब श्रोडिंगर ने रेडियल फंक्शन दिया तो कुछ इस तरह से दिया, एक कांस्टेंट था के वन, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है के वन, फिर आ रहा था आपके पास यहां पर डिस्टेंस आर, आर की पावर एल, आर की पावर एल, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास एक के टू कॉन्स्टेंट, फिर प्लस इस तरह से चलता है माइनस प्लस के थ्री, प्लस माइनस के फोर, माइनस प्लस, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और साथ में आर की पावर भी बढ़ती जाएगी। यहां आर की पावर जीरो है, यहां वन है, यहां आर की पावर क्या आएगी टू, और ऐसे चलते चलते लास्ट में के जो भी आ रहा है हमारे पास के और एन मान लीजिए, और आर की पावर आएगी एन प्लस एल माइनस वन तक जाएगा। ये इक्वेशन रहेगी किसी भी एन एल के लिए। तो एन एल दोनों टर्म आ गई, आपने देखा एन और एल दोनों टर्म आ रही है, और लास्ट में यहां ई की पावर माइनस एफ एक्स एक और फंक्शन रहेगा, समझ में आ रहा है। ये एफ एक्स अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग रहेगा, एफ एक्स की जगह एफ एफ आर लिख लीजिए आप, क्योंकि हमारे लिए आर यहां पर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास उसने इक्वेशन दी किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जो कि अपने आप में ये क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड फंक्शंस, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ एनएल ऑर्बिटल। एनएल के अलावा और कोई टर्म यूज कर रहे हो आप? नहीं। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि क्या आप एस के लिए बना सकते हो 1s के लिए, मैंने कहा हां। कैसे बनाऊंगा 1s के लिए, के तो कांस्टेंट है उसको तो रहने दो आप, आर की पावर क्या लगाओगे 1s के लिए, एल की वैल्यू क्या है एस के लिए, पहले समझ लो एस की वैल्यू क्या है जीरो। तो जीरो किसी की पावर जीरो का मतलब क्या है वन, यहां के टू आएगा फिर आर की पावर जीरो, यानी ये यही खत्म हो जाएगा, के टू के वन के टू मिलकर एक कॉन्स्टेंट बनेंगे, और ई की पावर माइनस एफ आर का एक फंक्शन रहेगा। तो कुल मिला के ये पूरी यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा एक कॉन्स्टेंट। तो मैं के कॉन्स्टेंट ई की पावर फंक्शन ऑफ आर लिख देता हूं, लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लिखूंगा ना पक्का। और ई की पावर माइनस आर का फंक्शन कैसा होगा अगर कर बना दिया जाए, किसके लिए 1s के लिए, तो ये e की पावर माइनस एक्स का कर्व ऐसे होगा, एक्सपोनेंशियली फॉल, यस और नो, ऐसे जाएगा गिरता हुआ, और इनफाइनाइट पे जाके ये कहां चल ओरिजिन को टच करेगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके आप ओरिजिन पे मिलेगा जीरो एक्सेस पे। बोलो क्लियर है या नहीं है। फिर बात करते हैं 2s के लिए, के वन आर की पावर अभी भी जीरो रहेगी क्योंकि एल की वैल्यू अब एस के लिए हमेशा जीरो ही रहेगी, होगी या नहीं रहेगी। और अब आपके पास के टू माइनस के थ्री आर की पावर वन आएगा क्योंकि एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी आ चुकी है वन, एन की वैल्यू वन सॉरी टू माइनस जीरो माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी वन, वन आ गया। तो यहां हमारे पास फिर उसके बाद e की पावर माइनस एफ एक्स एक फंक्शन बनेगा। तो ये जब कर्व आप देखोगे तो एक तरह से आपको यहां r की पावर वन आएगी, वन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो एक तरह से आपके यहां पर एक बार जब r की वैल्यू यहां पर k2 टू बाई के थ्री है, r की वैल्यू k2 टू बाई के थ्री होगा तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 2s के लिए, उस जगह कितना हो जाएगा जीरो, देख लो आप। तो एक बार तो ये जीरो को टच करेगी, फिर वापस ये चेंज हो गया और उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव में चली जाएगी, यस और नो। तो कर्व कैसा बनेगा इसके लिए,
इसके लिए कर्व आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ये लिख चुके हैं यहां तक? तो जब आपका इसके लिए कर्व बनाओगे आप, तो कुछ इस तरह का कर्व आपको देखने को मिलेगा। एक बार टच हो चुका होगा और वापस ये इस तरह से रहेगा। ये किसके लिए है आपका? 2s के लिए। और इनफाइनाइट पे आके फिर जीरो होगा। क्या ये कभी जीरो हुआ था? नहीं, इनफाइनाइट में हुआ था, पहले तो जीरो नहीं था। क्या ये पहले किसी पॉइंट पे जीरो हुआ? हां। तो जहां जीरो हुआ उसको क्या बोलोगे आप? रेडियल नोड। रेडियल नोड, ये आर को डिपेंड करता है, इस तरफ आर है आपके लिए। तो रेडियल नोड 2s में आएगा, बिल्कुल आएगा, जबकि 1s में एक बार भी नहीं आता। तो 1s के अंदर ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिलते रहेंगे और फिर उसके बाद भी मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। जबकि 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसने इस तरह से कहा कि पहले बहुत मिलेंगे, यानी सपोज 70% टाइम्स मिल चुके, लेकिन हम किसको टच करना है? हमें 1995। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक मात्र पॉइंट है इस जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहां पहले बहुत ज्यादा होगी न्यूक्लियस के पास, फिर उसके बाद क्या होने लगेगी? धीरे धीरे कम, और फिर एक तरफ एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी? जीरो। फिर उसके बाद क्या होने लगेगी? बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये कैसा होगा? ये एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद वापस मिलने लग जाएंगे आपको, और फिर उसके बाद हमेशा मिलते रहेंगे, और ये रेडियल नोड बनाएगा आपका। कुछ समझ में आया? अच्छे से आ रहा है? तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी तो हमारे लिए साइज स्क्वायर पर डिपेंड करती है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? बस ऊपर चली जाएगी, अगले कर्व हम वही बनाएंगे। लेकिन अभी तो मेरे को सिर्फ रेडियल नोड बताने हैं आपको। क्या रेडियल नोड इसमें डिफाइन हो सकते हैं? हाँ। तो ये आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। और इसी तरह अगर आप 3s का बनाएंगे, तो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ चुका है कि दो बार जीरो होंगे, पहले जीरो फिर वन फिर टू, और इस तरह से आपके पास ये 3s का हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो ये s के हो गए। और कुछ खास पॉइंट जो आपके पास की पॉइंट आ रहे हैं? क्या की पॉइंट आ रहा है आपके पास? जहां साइज ज्यादा है वहां साइज स्क्वायर ज्यादा होगा, और जहां साइज स्क्वायर ज्यादा होगा, जहां साइज ज्यादा है वहां साइज स्क्वायर ज्यादा होगा, और जहां साइज स्क्वायर ज्यादा होगा वहां प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बताओ 1s के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है इलेक्ट्रॉन मिलने की? इसके अंदर देखो आप, जब r की वैल्यू क्या है? जीरो है, यानी न्यूक्लियस पर। अजीब सा पॉइंट है, आप गलत नहीं लिख देना इसको। फर्स्ट पॉइंट फॉर ns ऑर्बिटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर सबसे ज्यादा होगी। समझ में आया? सबसे ज्यादा कहां होगी? न्यूक्लियस पे। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑन एंगल, एंगल पे कहीं डिपेंड नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन एंगल, एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका जो थीटा और फाई वाला फंक्शन ग्रुप है वो हमेशा क्या रहेगा? वन।
या कांस्टेंट, कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप। कुछ समझ में आया? तो वो वन बना रहेगा, उसका एंगल से कोई दिक्कत नहीं है, हर एंगल में बराबर प्रोबेबिलिटी है, बस डिस्टेंस के साथ कम हो गई, लेकिन डायरेक्शन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर शो बोलना चाहूंगा, डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी लेकिन डायरेक्शन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1s के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एंड विद इंक्रीजेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एंड ऑल द डायरेक्शंस बिकम सेम। तो डायरेक्शन वाला फैक्टर तो हमने लिया ही नहीं है, हम कौन सा ले रहे हैं? सिर्फ रेडियल वाला, एम्पलीट, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस वाला, आर फॉर रेडियल, आर फॉर डिस्टेंस। तो ये फंक्शन कर्व हमने लिया किसके लिए? एस के लिए। अब हम क्या पी के लिए भी ले ले? चलो ले लेते हैं, पहले ये उतार लीजिए आराम से। मेरे पास ये आर है 1s के लिए, ठीक है। अब बात किसके लिए करेंगे हम? पी के लिए। हमने ns के लिए बात करी, हम p के लिए बात कर रहे हैं। क्या हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत है? नहीं, कहीं नहीं है, पक्का हमसे कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, और हम याद भी नहीं कर सकते अगर मैं लिखाऊंगा तो आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं p के लिए, हटा दूं मैं। तो यहां हमारे पास बात करने जा रहे हैं हम p के लिए, देखिए p के लिए k1 कोई भी कांस्टेंट r1 पावर l, l कितना होगा? 1, r पावर 1, 1 आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2p के लिए। तो बताइए n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 आएगी तो सिर्फ एक कांस्टेंट बन के रह जाएगा k2, और यहां पर आपके पास आएगा e की पावर माइनस fx fr का एक फंक्शन आएगा। तो जब आप इसको देखोगे तो इजी वे में ये r, बाकी तो सब कांस्टेंट है, के आर के वन के टू मिलके के आ जाएगा e की पावर माइनस एफ आर। तो ये हमारे पास दो तरह के फंक्शन है, r और e की पावर माइनस एफ आर, समझ में आ रहा है? तो अब जब मल्टीपल फंक्शन होते हैं, कैसे होते हैं? मल्टीपल फंक्शंस 2p और p के बीच में, तो कर्व दोनों पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है? तो शुरुआत में जब r की वैल्यू 0 है तो आपका कौन सा, यानी शुरुआत में r की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं अपन कर बनाना इस जगह से, तो इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा? जल्दी बोलो, ये वाला। कैसे पता चला? आप एक काम करो, 0 रख दो r की वैल्यू, 0 करती ये वैल्यू, और ये वैल्यू पे 0 रखोगे तो e की पावर 0 कुछ मान लो, सपोज 0 भी आ गया तो 1 आएगा ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? 0। किसकी वजह से 0 आए? इसकी वजह से। तो इसका मतलब शुरुआत में कर्व इसकी तरह चढ़ेगा, ये ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन क्योंकि ये भी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कर्व शेप ले लेगा, फिर उसके बाद ये डोमिनेट करेगा, ये टच करेगा, लेकिन कब? इनफाइनाइट पे जाके। बोलो यस और नो? ये न्यूक्लियस पे इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो ये न्यूक्लियस इसके लिए नोडल सरफेस होगा या नोडल पॉइंट रह जाएगा? सिर्फ पॉइंट मात्र, तो इसको नोड में काउंट नहीं करते, एक पॉइंट को काउंट नहीं करते, या तो प्लेन हो या फिर एक सरफेस हो। तो इसके अंदर कितने नोड होंगे? 0। 0 रेडियल नोड, एंगुलर है वो अलग फंक्शन है, एंगुलर कर्व हम बना भी नहीं रहे। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्का? अब बात आती है 2p के लिए, नहीं अब बात आती है 3p के लिए। किसके लिए? 3p के लिए। तो कहीं ना कहीं 3p की बात करते हैं हम, और तो हमारे लिए 3p का कर्व कैसा जाएगा वर्सेस आर? आप अच्छे से समझ गए होंगे,
3p के अंदर ये वाली टर्म अंदर वाली चेंज होगी और एक नॉट बनेगा, कौन सा? रेडियल नॉट। कैसे? 3p की जो इक्वेशन बनेगी K1 R K2 माइनस K3 आर की पावर 1, क्लियर है, और ई की पावर माइनस FR। तो ये R की वजह से स्ट्रेट लाइन, फिर ये एक बार इसको जीरो पे लेके आएगा, फिर वापस ये उठने लगेगा, तो ये कर्व इस तरह से कुछ जाएगा और एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा क्योंकि पार्टिकल वेव है और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होना तय है। तो आपको क्या पता चला? क्या यहां पर रेडियल नोड बना एक? हाँ, यहां एक रेडियल नोड आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज, तो ये एक रेडियल नोड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर इसी तरह से जैसे जैसे आपके पास, और ये रेडियल नोड में पता है ये जो डिस्टेंस होगी R1, ये नोड की डिस्टेंस बताएगा, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? ये R1 की वैल्यू होगी आपके पास, इसको जीरो कर दो तो K2 बाय K3। अब इसको क्या कर दोगे? जीरो। कैसे निकालोगे? K2 माइनस K3 R इज इक्वल टू जीरो, यानी R की वैल्यू 10। R की वैल्यू यहां पर रेडियल नोट होगा, रेडियल नोट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियल नोट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताएगा आपके पास, क्लियर है? बस अगर आपके पास 4p का बनाना चाहते हो, किसका बनाना चाहते हो? 4p का, तो ये इस तरह जाएगा, फिर एक बार टच करेगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा और एक बार इस तरह से, तो 4p में कितने नोड होंगे आपके पास? 2 रेडियल नोड। और इसकी इक्वेशन जो बनेगी, वो होगी K1 R, R की पावर 1 ही रहेगा, पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, K2 माइनस K3 पावर R1 यानी 1 प्लस K4 R2 स्क्वायर। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दोनों जो इसके क्वाड्रेटिक दोनों जो रूट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, एक वैल्यू कम आएगी एक वैल्यू कम ज्यादा आएगी, जो कम आएगी वो ये वाला होगा डिस्टेंस R1 और जो ज्यादा आएगी वो ये डिस्टेंस रहेगी R2। तो कभी कभी हम परेशान करने के लिए R2 अपॉन R1 बोल सकते हैं, या हम ये पूछ सकते हैं कि मिनिमम नियरेस्ट रेडियल नोड क्या है, नियरेस्ट रेडियल नोड में आपको R1 निकालना है और लॉन्गेस्ट रेडियल नोड में आपको R2 निकालना है। हम और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? तो दोनों रूट निकाल के आप वैल्यू निकाल सकते हो, कम वाली R1 है, ज्यादा वाली R2 है, कर सकते हो आप। ये इक्वेशन आपको दे दूंगा मैं, बकायदा पूरी इक्वेशन दूंगा आपको, तो आपके लिए कोई टफ नहीं रहेगा। ये रहा आपके लिए एम्पलीट्यूड कर्व पी के लिए। अगर आपके लिए डी की बात करें, किसके लिए? कौन सी वाली बात? डी की। तो डी के लिए कैसे चलेगा? देखिए, अब एम्पलीट्यूड कर्व डी के लिए, डी कहां से स्टार्ट होता है? 3d। 2d तो होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग 3d से करेंगे। K1 R की पावर क्या लगेगी? 2। L की वैल्यू 2 है और इसमें कोई n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू होगी। सॉरी, यहां फॉर्मूला ही गलत लिखाई में आ रहा है। n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 0। पक्का? तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 0। तो जब 0 आएगी तो यहां पर सिर्फ कॉन्स्टेंट रह जाएगा और e की पावर माइनस FR आएगा।
अब अगर यहां पर एन माइनस एल माइनस वन शुरू से ही आपको आइडिया लग जाता तो यहां सही रहेगा आपके लिए। इसको करेक्शन करेंगे आप, ध्यान नहीं रहा, एन माइनस एल माइनस वन रहेगा। तो अब बताइए इसमें कितने रेडियल नोड होंगे, जीरो। ये वैसा ही कर्व होगा और इसके लिए इक्वेशंस लगभग आपके पास के रहेगी, आर स्क्वायर एफ माइनस आर। तब आप ये बताइए ये कर्व होगा ना, इस कर्व में और उस कर्व में क्या अंतर था, वहां आर था या आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, कर्व जल्दी पीक पकड़ेगा, पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, तो जल्दी पीक पकड़ेगा और ये ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा धीरे से। तो चढ़ने की गति बहुत तेज होगी, उतरने की गति थोड़ी धीमी रहेगी पी के कंपेयर में। अब आया बात समझ में? तो इसका जो ये एंटी नोड डिस्टेंस है 3D की, 3P से कम होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, 3D के एंटी नोड की डिस्टेंस 3P से कम होगी, ये कहलाता है एंटी नोड, एंटी नोड। तो क्या की पॉइंट बनेगा यहां पर, द डिस्टेंस ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, फॉर 3D इज लेस देन 3P। 3D का 3P से ही कंपेयर करना चाहिए। इसीलिए आगे आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि 3D से बनने वाले पाई बॉन्ड, 3D से बनने वाले पाई बॉन्ड 3P से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई, चलो वो तो बहुत बात की बात हो गई, लेकिन ये पॉइंट यहीं से निकल के आते हैं आगे फ्यूचर में। तो एंटी नोड समझ में आ गया आपके पास? तो कहीं ना कहीं अगर आप पी का कर्व देखेंगे तो पी का भी सिमिलर ऐसे ही था, तो पता तो चलेगा ही नहीं, अगर ये कर्व बना हुआ है तो कौन बता सकता है ये 3D का था या 2P का था, नहीं पता चल रहा 3P का या 2D का, सॉरी 3D का या 2P का, पता ही नहीं चल रहा, दोनों सिमिलर थे। 2P का भी ऐसे ही था, आपको याद करो, था ऐसा ही, बोलो था या नहीं था, था। तो जब ऐसा ही ये था तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका है, नहीं पता जब तक कि लिखोगे नहीं आप, आ रही है बात क्लियर? तो नहीं पता चल सकता ऐसे देख के, तो नहीं पता चल सकता, दोनों सिमिलर शेप के हैं, हाँ या ना? तो यही हमारे लिए है कि दोनों ही हमारे लिए किस तरह के हैं, सिमिलर शेप के हैं। अब आगे, तो इसका मतलब 4D का कर्व कैसा होगा, 4D का कर्व, 4D का कर्व होगा 3P जैसा, फोर डी का कर्व होगा ऐसे, ये उठेगा फिर नीचे जाएगा फिर इस तरह से रहेगा। 5D का कैसा रहेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो ये जितनी बार आएंगे उतने रेडियल नोड बनाएंगे, तो दो रेडियल नोड बनेंगे, टू नोड, और यहां पर कितना बनेगा, एक। तो ऐसे चलते जाना है बस। तो ये आपने मेरे से कौन से कर्व पढ़े, एम्पलीट्यूड कर्व। अब अगला कौन सा चालू होगा हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी कर्व, करिए। कौन से हो गए, 3D कर्व भी हो गए, समझ में आ रहा है? अगर हमसे कहा जाता फोर्ड वो क्या कहते हैं एफ कर्व बनाइए, तो आप कैसे बनाते एफ के लिए, कोई भी एफ के लिए बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एफ को देखते तो 4F से चालू होता, तो 4F का कर्व किसके सिमिलर होता, 3D के लिए, क्योंकि बस उसमें क्या होता K1, R की पावर क्या आ जाता है यहां पर 3, F के लिए L की वैल्यू 3 है,
के टू, बाकी तो सब चीजें हो जाती e की पावर माइनस एफ एक्स, थोड़ा सा जो चढ़ने वाला पॉइंट होता वो और ज्यादा अच्छा हो जाता। तो कर्व तो ऐसे ही होता सिमिलर जस्ट लाइक जैसे 3D या 2P, ये भी ऐसे ही कर्व थे, तो शेप वाइज सिमिलर होंगे बस। तो ये किसका हो जाएगा, 4F का, और यहां क्या आएगा, R बढ़ रहा है। तो अगर 4F की जगह आपके पास 5F होता तो 5F कैसे जाता, बस ये यहीं रहता, टच नहीं होता। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, ऐसे सोचा जाता है। अच्छे समझ में आ गया, तो हमारे लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अगला लेना है, कौन सा लेना है, एम्पलीट्यूड के बाद प्रोबेबिलिटी कर्व, बोलो सही है। तो अब हम कौन सा कर्व पढ़ने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोबेबिलिटी कर्व। सेकेंड नंबर के कर्व है प्रोबेबिलिटी कर्व, कौन सा कर्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यानी हमारे लिए साई स्क्वायर। एस के लिए बनाते हैं फर्स्ट, फॉर एनएस ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी कर्व किसके बीच में होगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। तो आप मेरे को जानते हैं और अच्छे से हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि साई का दिमाग में रखिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो आप अच्छे से जानते हैं ऐसा ही बनेगा ये साई स्क्वायर 4s, नहीं कौन सा बना रहे, 1s। जो पहले कर था इस साई का उसको बस स्क्वायर में लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको 2s का बनाना है, किसका बनाना है, 2s, तो आप जानते हैं कि ये यहां से स्टार्ट होगा, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होने की वजह से वापिस उठेगा और इस तरह से रह जाएगा। लेकिन ये हाइट, एंटी नोड की हाइट पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको 2p का बनाना है, किसका बनाना है, 2p स्क्वायर वर्सेस r, तो कहां से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से, और उसका स्क्वायर करना था, बस अंतर ये इसका, ये 2p का भी ऐसा ही होगा और स्क्वायर का भी ऐसा होगा, क्योंकि स्क्वायर होने से हर चीज क्या हो जाएगी, और जल्दी ऊपर जाएगी और जल्दी नीचे आएगी। अब आपको किसका बनाना है, जल्दी बताओ, 3p, सही है। तो कैसे बनेगा, यहां से जाएगा, एक बार टच करेगा, फिर वापस आएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस हमें वैसे ही सोचना है, जो नीचे सा था उसको ऊपर वाले पार्ट में ले गए। तो चलिए अगला कर्व, 2D का कर्व कैसा रहेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, 2D तो होता ही नहीं है, 3D ऐसा ही रहेगा, और 4D का भी वैसा रहेगा ये। ये कहलाएंगे एंटी नोड, और ये कहलाएगा आपके लिए रेडियल नोड। इन सब में रेडियल नोड कितना है, इसके अंदर 1, इसमें 1, इसमें 1, इसको नोड नहीं काउंट करते, इसको नोड पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन नोड नहीं बोलेंगे हम। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए F के लिए आप बना सकते हो, आप F का भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4F और 5F। सिमिलर होगा,
ये हाइट कम होती चली जाएगी। लिखिए इसको, देखिए अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी कर्व करा, एम्पलीट्यूड कर्व करा, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो ये भी बहुत अच्छा कर्व है, और तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका मतलब है क्या? पहले ये चीज समझते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं, उसके लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व से हम स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या? बात को समझना, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे हम गए, क्या लिया आर पे, समझ में आ रहा है? और ये आर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मान लीजिए इस जगह, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या है? साई स्क्वायर, कोई भी ऑर्बिटल हो एनएल उसके लिए ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी इस जगह मिलने की, मल्टीप्लाई बाय हम इसको ले लेते हैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वॉल्यूम से, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा? इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या आ जाएगा आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, साई स्क्वायर एनएल, और वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा यहां से यहां के लिए, आप चाहो तो इंटीग्रेशन करके रख सकते हो या आप मेरी तरह से चल सकते हो, ये कितना हो जाएगा आपके लिए? अगर आप इसके लिए आ रहे हो रिंग के लिए, तो आप ही मेरे को बताइए कि कैसे आप देखोगे इसको वॉल्यूम को, 4πr² dr, इंटीग्रेशन से मैंने निकाल दिया ये एरिया स्थिर लेयर का 3D के अंदर, समझ में आया? तो ये इंटीग्रेशन से एक पूरी एक लेयर आ गई जिसमें 4πr² और फिर क्या हो जाता है dr, उसकी क्या हो जाती है? थिकनेस आ जाती है। तो ये जो थिकनेस है वो है आपके लिए dr। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आ रहा है आपको? नहीं है तो बस इसी के लिए आपको निकालना है तरीके से, समझ में आई बात? या आप एक काम और कर सकते हो, ये r है और ये r प्लस dr वाली रेडियस है, दोनों के स्पेयर बना लो और स्पेयर का माइनस कर दो, वो वॉल्यूम आ जाएगा आपका, वो लगभग इतना आ रहा है, सही है? तो मैंने क्या किया कि इन दोनों में ये जो फंक्शन है सिर्फ यहां तक, इसको बोला मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग डीआर की इमेज बनाओ अपने पास, समझना मेरी बात। जैसे मैंने ये बनाई एक डीआर की R1 डिस्टेंस पे, ठीक है, और एक मैंने बनाई R2 डिस्टेंस पे। यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो डॉट क्या होंगे? पास होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 डॉट बना दिए मैंने पक्का,
मुझे यहां पर भी 25 डॉट बनाने थे, लेकिन मैंने 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 किसमें डॉट ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। लेकिन इसमें डॉट 25 है, लेकिन पास पास है। तो अगर मुझे कहा जाए साई स्क्वायर की वैल्यू किसमें ज्यादा है, मान लीजिए ये ए है ये बी है केस, तो मैं बोल दूंगा ए में ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने उस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर ए, 4 पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर, तो ये ज्यादा हो रहा है। क्यों? ये ज्यादा था अब इंडिविजुअली, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मिलके ये कम पड़ गया। यानी कौन डोमिनेट करता है? आर। यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ रहे हैं तो आर दोनों स्क्वायर में बढ़ रहे हैं, आर डोमिनेटिंग फंक्शन रहेगा। आर डोमिनेट करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, प्रोबेबिलिटी अलग है। जरूरी नहीं है जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो वहां डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके हो रहा है। तो दूर दूर होने की वजह से भी इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है दूर दूर, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उस वॉल्यूम की क्वांटिटी आर स्क्वायर में बढ़ेगी और वो डोमिनेट करेगा, और डिस्टेंस छोटी होगी तो ये रिंग कितनी छोटी रहेगी, वॉल्यूम बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम थिकनेस वाली रिंग बड़ी दूरी पे जाने पर बड़ी बनेगी और पास आने पे छोटी सी बन के रह जाएगी, वो तो क्वांटिटी भी कम रहेगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व बना रहे हैं, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? सबसे पहले मैं बना रहा हूं 1s के लिए, साई स्क्वायर 1s मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर भी मैं ले रहा हूं वर्सेस आर। समझना साई स्क्वायर का कर्व कैसा होता था, पहले इधर देख लो फिर एक साथ उतार लेना। साई स्क्वायर का कर्व कैसा होता था? इस तरह से होता था, या सुनो। लेकिन क्योंकि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, शुरुआत में आर क्या होगा? जीरो। तो कैसा होगा ये? वैसे ही हो गया, आप समझना इसको। ये आर स्क्वायर ई की पावर माइनस एफ एक्स एफ आर फंक्शन है, तो ये वैसा हो गया जैसे 2p का होता था। इसकी वजह से ये अपने आप में शुरुआत में कितना है? जीरो। तो कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो शुरुआत में क्या बन जाएगी? जीरो। तो कर्व यहां से स्टार्ट होता था ये, और ये जीरो से स्टार्ट होता था। आर की वैल्यू जीरो होने पे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब अगर आप 2s के लिए बना रहे हो, तो 2s के लिए कर्व ऐसे क्या हो सकता था? इसका ऐसे आता था, लेकिन ऐसा आता था ना, बोलो यस और नो। लेकिन अब क्या होगा? इसकी वजह से ये चेंजेज होगा और ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर डोमिनेट कर जाता है। तो आर बढ़ने के साथ पीक की एंड पीक यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बोलो यस और नो। तो बस कुल मिला के यही हमारे लिए पॉइंट था। ये अभी भी नोड कहलाएंगे क्योंकि यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर भी कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जीरो ही होगा, ये अभी भी जीरो होंगे। अगर इन दोनों में कोई भी वैल्यू जीरो हो गई तो वो जीरो होनी है, ये अभी भी एंटी नोड कहलाएगा। बस अंतर ये रहेगा कि पीक बढ़ गए। तो अब आप मेरे को बताइए कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे किसके लिए, इधर देखो किसके लिए बनाना चाहते हैं आप? 2p के लिए। किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? 2p के लिए। तो जब आप 2p के लिए बनाएंगे सीधा तो 1s जैसा ही होगा, क्योंकि 2p का वैसे भी ये कर्व ऐसा ही होता था और आर स्क्वायर का कर्व भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? जीरो, जीरो ही होगा। तो ये कर्व भी वैसा ही होगा।
हाँ या ना? और स्क्वायर 3p, तो ये कैसा होगा? ऐसा ही होगा। तो बताइए ये अब किस किस के लिए हो सकता है? जो वन एस का होगा, जो कर्व 1s का होगा वो किसका होगा? 2p का। और जो 2p का होगा वो किसका होगा? 3d का। और जो 3d का होगा वो किसका होगा? 4f का। सिमिलर जाएंगे ऐसे ही। जो कर्व 2s का होगा वो 3p का होगा, 3p वाला 4d वाला होगा, 4d वाला 5f वाला होगा। और जो 3s का होगा 4p 5d 6f, ऐसे चल सकता है। 4s का वाला 5p 6d और 7f, सिमिलर चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। आ गई बात समझ में? पीक बढ़ते जाएंगे। तो अगर कोई कर्व ऐसे पीक बढ़ता जा रहा है तो बस बढ़ाते जाओ। आप कितने नोड बन रहे हैं ये डिसाइड करेगा n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, लिखें जल्दी से। अरे तो शॉर्ट रिवीजन ऑफ कर्व हमारा टॉपिक है, क्विक रिवीजन ऑफ श्रोडिंगर कर्व। तो ये क्विक रिवीजन हमारे लिए क्या है? यहां मैंने ns के लिए लिया है एम्पलीट्यूड कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ns। तो जब ns की बारी आएगी तो कर्व आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? टॉप पोजीशन से। यानी ऐसा लगेगा जैसे कोस थीटा का कर्व है और बस वेव को छोटा करते जाना इस तरह से, और ओरिजिन पे कभी नहीं मिलाना है, बस इनफाइनाइट पे जाके ऐसा लगना चाहिए कि मिल चुकी है। हमें नहीं मालूम ये कौन सा n है, लेकिन एक बात तो पता चल सकती है यहां पर n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी है। एक जितनी बार टच कर रहा है जितने नोड आ रहे हैं वो है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 6, और l की वैल्यू कितनी है s के लिए? 0। तो n माइनस 0 माइनस 1 की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 7। यानी ये कर 7s के लिए है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो जितने बार टच करें वो n माइनस एल माइनस 1 बताएगा, ये रेडियल नोड बताएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7s के लिए कर्व है। कौन सा वाला? एम्पलीट्यूड वाला। इस तरह से अगर ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कितनी बार टच कर रहा है। ये नेगेटिव में भी जाएगा, और यहां जो कर्व आएगा स्क्वायर वो इस तरह से जाएगा धीरे धीरे। ये 1 2 3 4 5, ये एंटी नोड की पोजीशन है, यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और ये नोड की पोजीशन है जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। 1 2 3 4 5, यानी n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब n माइनस 0 माइनस 1 5 है, तो n की वैल्यू 6 है। तो ये 6s कर्व है, 6s प्रोबेबिलिटी कर्व। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये पीक बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो कितनी बार जीरो टच किया? ये नोड है, मैं बता रहा हूं, ओरिजिन को नोड नहीं काउंट करेंगे, इसको नोड में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनको काउंट करेंगे। तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहां पर? 2। तो n माइनस 0 माइनस 1 2, यानी n की वैल्यू 3। और क्योंकि हम ऑलरेडी s के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3s। इज दैट क्लियर? तो यहां बस अंतर ये, यहां हाइट कम होती जा रही थी, यहां हाइट बढ़ती जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, पक्का। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब बात करते हैं एनपी के लिए। एनपी के कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और कुछ इस तरह से जाएंगे। तो ये इस तरह से मूव करता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो कितनी बार टच किया इसने? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू आपके पास 5 है। n माइनस l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 0 माइनस l की वैल्यू 1 होती है। तो n की वैल्यू यहां पर हो गई आपके पास 7। तो ये 7p कर्व है। इज दैट क्लियर? ये 7p कर्व है। और अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व p के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी कर्व आपके पास इस तरह से आएगा और डिक्रीज होता जाएगा एम्पलीट्यूड, यहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से मतलब नहीं है, एंटी नोड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे नोड बताने हैं। यहां पर कितने? 1 2 3 4 5, 5। यानी n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 5। तो n माइनस 1 माइनस 1 5, n की वैल्यू यहां पर 7 है। बोलो क्लियर है? तो ये भी 7p का ही प्रोबेबिलिटी कर्व है।
अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पीक बढ़ता जाएगा, इस तरह से मैंने ले लिया। तो कितना जा रहा है यहां पर, एन माइनस एल माइनस वन, वैल्यू कितना है, एक दो तीन। तो यहाँ एन माइनस वन थ्री, तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई फाइव, और ये फाइव पी ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर्व है। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में हाइट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ये फर्क रहेगा। तो एक तरह से हम किसी भी कर्व को देख सकते हैं, उनमें कंपेयर कर सकते हैं। एस के कर्व नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहे थे, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व सारे जीरो से स्टार्ट होंगे। तो ऐसे ही यहां पर आप इसके लिए भी बना सकते हैं। ये कर्व आपने डी के लिए बनाया, एक और दो और तीन, यानी एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू आपके पास तीन है, एन माइनस टू माइनस वन थ्री है, एन की वैल्यू आपके पास सिक्स हो गई, और सिक्स हो गई तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिक्स पी कर्व, सिक्स डी कर्व हो जाएगा। डी के लिए लिखा हुआ इसलिए सिक्स डी, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो गया सिक्स डी। और पी और डी कर्व एक जैसे रहते हैं, लेकिन एस कर्व अलग है, ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी कर्व सभी जगह, अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला कर्व गलत है, ये यहां से स्टार्ट होगा। बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया, ये यहां से स्टार्ट होगा और ये भी यहां से स्टार्ट होगा, सही है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, तो बताइए कितनी बार जीरो हो रहा है, एक दो तीन चार, यानी n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी हो रही है, फोर। तो n माइनस टू माइनस वन फोर, और यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेवन, तो ये सेवन डी है। इज दैट क्लियर? तो यहां आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर पीक बढ़ता जाएगा, तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू यहां पर एक दो तीन, n माइनस डी के लिए टू माइनस वन थ्री, यानी n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी सेवन, तो ये सेवन डी है। एक बार और देखें, ये सिक्स आएगा सॉरी, और ये सिक्स डी है। तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा खास परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके को फिर एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, और आसान तरीका। एस कहां से चालू होता है, जोर से बोलो, वन एस से। जैसे ही टच हुआ टू एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस, सेवन एस का कर्व। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। एस कहां से चालू होता है, वन एस से। जैसे ही टच हुआ टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सिक्स एस है। एस कहां से चालू होता है, वन एस से। इसको नहीं काउंट करेंगे, 2s, 3s, 3s है, सही है, बोलो हाँ या ना। p कहां से चालू होता है, 2p। जैसे ही टच हुआ 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 7p के लिए कर्व है। p कहां से चालू होता है, 2p से, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 7p कर्व हो गया। ये जो 7p है वो 7, वो किसका हो जाएगा, 8d का भी हो जाएगा, 9f का भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, पक्का? लेकिन क्या ये 6s का हो पाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि s कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, पक्का? कौन सा, प्रोबेबिलिटी वाला। इज दैट क्लियर? यहां आपके पास कौन सा कर्व है, ये p वाला। तो 2p से स्टार्ट है, 3p, 4p, 5p, ये 5p कर्व है। क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। तो मैं बता रहा हूं इसके सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, d के अंदर सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, s के अंदर एम्पलीट्यूड और प्रोबेबिलिटी कर्व तो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पकड़ के चलना है। ये कौन सा है, डी। डी कहां से स्टार्ट होता है, थ्री डी। तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर डी, फाइव डी। ये फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, ये सिक्स डी है। थ्री डी से स्टार्ट होता है, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, सेवन डी, ये सेवन डी है। 4D, 5D, 6D, ये 6D है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, इसके सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके सारे कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके दो ओरिजिन से नहीं, दो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे, एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और एक और बात, यहां नीचे भी जाता है और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है, या एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कर्व कम हो रहा है, लेकिन सारे
पॉजिटिव में रहेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला कर्व है, ये भी स्क्वायर वाले हैं तो सारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन फर्क क्या रहेगा, यहाँ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसमें कम होता चला जाएगा, इसमें बढ़ता चला जाएगा। बस ये छोटे छोटे पॉइंट से अगर आपको ये याद है तो आप सारे कर्व बिना किसी परेशानी के बना सकते हो, बनाए इसको बच्चों। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है 2004 में आया हुआ आईआईटी का, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है पढ़ते हैं चलो। द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बिलो। दिस वेव फंक्शन दी गई है 2s ऑर्बिटल के लिए, वेयर ए नॉट इज द बोर रेडियस, दिस वेव फंक्शन हैज ए रेडियल नॉट एट R इक्वल टू आर नॉट, एक्सप्रेस आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। मैंने एक बार जल्दी से पढ़ा है लेकिन आपको मैं बता दूं, आर नॉट को ए नॉट की टर्म में बताया ना कि कोशिश की कर बताना है आपको, और कर्व भी बनाना था इसके अंदर। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे हम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व की, और कर्व किसका, 2s स्क्वायर का कर्व, अगर हम एम्पलीट्यूड का बनाएंगे या प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी, और प्रॉबिलिटी का कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉन ओरिजिन वैल्यू से, जीरो वैल्यू से, ये यहां जाएगा और फिर नीचे आता चला जाएगा, यस और नो? तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से ये आपके लिए नोट का काम करेगा और ये ही आपके लिए आर नोट है। कर्व को ध्यान से देखेंगे, एस का कर्व में हाइट धीरे धीरे कम होती है, नॉन जीरो पॉइंट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, आता जाएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो अब आपके पास इस आर नोट पर आपके पास एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड स्क्वायर दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी 2s ये भी जीरो होगा। तो इस फंक्शन को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट की वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि बाकी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, सिर्फ यही वैल्यू है जिसकी वजह से जीरो हो सकता है। तो जब ये जीरो होगा तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a नॉट। तो आपका ये आंसर होगा 2a नॉट। क्लियर करो, ये अच्छे से क्लियर है? तो यहां आपके पास एक कर्व बनाना था और ये भी बताना था कि किस जगह जाके ये जीरो होगा, तो ये 2a नोट पे होगा। तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चन बने जा सकते हैं, हो सकता है ये वाला पार्ट क्वाड्रेटिक होता तो दो रेडियल नोट होते, दोनों रेडियल नोट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है आपको और दोनों डिस्टेंस आपको बतानी पड़ती, उन दोनों डिफरेंस का डिस्टेंस की, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस भी पूछा जा सकता था, रेशियो पूछा जा सकता, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू पूछी जा सकती थी, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी आपके पास बीच में क्वाड्रेटिक हो या लीनियर इक्वेशन हो उसको जीरो के बराबर कर दो और नॉट की वैल्यूज निकाल लो। क्वाड्रेटिक के तो दो निकलेंगे, लीनियर में सिंगल निकलेगा, कर लीजिए इसको।